और दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकल नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे मैक्सोरिल एम प्लस सिरप के बारे में, जो कि दोस्तों कफ सिरप है, जो कि 100 ml की शीशी है। दोस्तों जर्मन रेमडीज कंपनी द्वारा बनाया है कफ सिरप है और जिसका MRP है दोस्तों 57 rupees। दोस्तों जो इसके रिजल्ट हैं बहुत ही बेहतरीन है और जर्मन रेमडीज कंपनी ने इसको बनाया है। और जो इसके अंदर दोस्तों कॉम्बिनेशन है इसका, जो इसके अंदर सॉल्ट है वो है ट्रिबुटालिन सल्फेट, गम्फेंशन, एम्ब्रोक्सल और मैंथोल। दोस्तों जो ये कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जर्मन रेमडीज कंपनी द्वारा बनाया गया मैक्सोरिल एम प्लस सिरप कफ सिरप का, जो कि दोस्तों आपको किसी तरह की कफ वाली खांसी हो रही हो उसके लिए दोनों बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये आपकी जो भी कफ है अंदर उसको ये बहुत ही जल्दी निकाल देगा अगर आप इसको गर्म पानी से लेते हो। दोस्तों जो इसकी अडल्ट की डोज है दिन में 3 बार है, 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, और जितनी दवाई दोस्तों उतना ही पानी लेना है आपने। और दोस्तों आपने याद रखना है ये जो मेडिसिन है जो कफ सिरप है शेड्यूल H के अंदर आता है, जो कि दोस्तों आपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज़ करना है आपने। बिना डॉक्टर की सलाह से अगर आपका यूज़ करोगे इसको आप, तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों जो इसके अंदर ट्रिबुटालिन है उसका कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, कितने कंटेंट में कितना कॉम्बिनेशन है इसका मैं सारे ही आपको बता देता हूँ। ट्रिबुटालिन है दोस्तों 1.5 mg, गम्फेंशन है दोस्तों 50 mg, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लाइड है दोस्तों 15 mg, मैंथोल है दोस्तों 0.5 mg। जो दोस्तों इसमें मैंथोल है ये आपके गले को थोड़ा ठंडा करता है, ट्रिबुटालिन है दोस्तों बलगम को निकालता है, गम्फेंशन है दोस्तों जो आपके अंदर जो बलगम चिपकी रह जाती है उसको निकालता है। दोस्तों कुल मिला के बहुत ही अच्छा रिजल्ट है मैक्सोरिल एम का। अगर आपको किसी तरह की कफ वाली और एलर्जी वाली खांसी हो रही हो उसके लिए आप ये मैक्सोरिल एम प्लस सिरप ले सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों हमारे इस चैनल में डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड होती हैं, तो प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। धन्यवाद दोस्तों।